Hello everyone i am your teacher for this question let me explain this question to you now a slide remains in a park one of its side walls is painted with a color on the wall and has keep the park green and clean if the dimensions of this wall are 15 meter 11 meter and 6 meter find the area of the part painted with color यहाँ पे देखिए आपको कहा क्या कहा गया है जो आपकी एक साइड है स्लाइड है आपकी वो रिमेन बची हुई है किसी पार्क के अंदर एंड वन ऑफ इट्स साइड्स साइड वॉल्स इज पेंटेड जो इसकी एक तरफ की है ये मतलब वो पेंट कर दिया गया है किसी कलर से तब उसके ऊपर लिखा हुआ है कीप दी पार्क ग्रीन एंड क्लीन एंड डायमेंशन दिया हुआ है वॉल की जो डायमेंशन है ये आपकी ये आपकी 15 मीटर एंड 11 मीटर एंड 6 मीटर दिया हुआ है तब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ पार्ट पेंटेड विद कलर तो यहाँ यहां एक डायमेंशन से देखने से पता लग रहा है यहां पे जो हमारी फिगर है तो ये हमारा क्या बन रहा है एक ट्राइंगल बन रहा है बट हमें पे किसी एंगल का नहीं पता है कि राइट ट्राइंगल right है या किस तरह का ट्राइंगल है तो देखिए यहां पे क्या करेंगे हम लेट यहां पे हमें गिवन है डायमेंशन डायमेंशन ऑफ वॉल आर यह आपकी है फिफ्टीन मीटर कोमा इलेवन मीटर कोमा सिक्स मीटर तो देखिए हमारा एक ये ट्राइंगल बन रहा है इसको यहाँ पे चाहे तो हम नाम दे सकते हैं ए पी सी तो यहाँ पे जो इसकी ए बी हो जाएगी वो इलेवन हो जाएगी ए सी आपकी सिक्स मीटर हो जाएगी एंड बी सी आपकी फिफ्टीन सेंट फिफ्टीन मीटर हो जाएगी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे लेट ए इस्मिकल टू 5 मीटर मान लेंगे b इज इक्वल टू इलेवन मीटर मान लेंगे एंड c इज इक्वल टू सिक्स मीटर मान लेंगे एंड नाओ यहाँ पे देखिए नाओ ट्राइंगल ए बी सी वेयर स्मॉल ए कॉमा बी कॉमा सी आर दी आर दी साइड्स ऑफ दैट ट्राइंगल ठीक यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा देखिए ए बी सी हमने जो ये ऊपर माना था ये इस ट्राइंगल की साइड है तब देखिए हमारा इसका एरिया फाइंड करना है बेसिकली हमें यहाँ पे, तो आपका क्या होगा सेमी पैरिमीटर इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? सेमी पैरामीटर एस से रिप्रजेंट जिसको हम करते हैं ये आपका आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू वेयर जहाँ पे हमारा ए कॉमा बी कॉमा सी ये हमारी क्या है यहाँ पे साइड्स होती है ऑफ़ ट्राइंगल ट्राइंगल की हमारी साइड होती है तो देखिए यहाँ पे एस की जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी एस इज इक्वल टू फिफ्टीन प्लस इलेवन प्लस सिक्स अपॉन टू आपका हो जाएगा एंड ये आपका आएगा यहाँ पे थर्टी टू अपॉइंट टू एंड दिस इज इक्वल टू सिक्सटीन मीटर तो एस की वैल्यू हमारी सिक्सटीन मीटर आ जाएगी अब देखें यहाँ पे आपका होता है हीरोन्स फॉर्मूला ये फॉर्मूला आपका क्या करता है ये या आपका यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करता है या बताता है जो कि आपका इक्वल होता है रूट ऑफ एस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इसका यहाँ पे क्या निकालना है आपको इससे आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा सो so, देखिए यहाँ पे एस की वैल्यू है आपके पास ए बी सी आपको पता है साइड है आपकी ट्राइंगल की जो आपने माना है तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये आपका आ जाएगा रूट ऑफ सिक्सटीन सिक्सटीन माइनस फिफ्टीन सिक्सटीन माइनस ये आपका आ जाएगा इलेवन एंड सिक्सटीन माइनस सिक्स ये आपका यहाँ पे आ जाएगा अब देखिए यहाँ पे क्या करना है सिंपल कैलकुलेट करना है रूट ऑफ आपका आएगा अंदर आपका यहाँ पे सिक्सटीन है ब्रैकेट के अंदर वन आ जाएगा एंड यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आपका फाइव आ जाएगा एंड ब्रैकेट के अंदर आपका टेन आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए सिक्सटीन इंटू वन इंटू फाइव इंटू टेन आपका बचा यहाँ पे आपका जो एरिया होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये आपका क्या आया था यहाँ पे देखिए ब्रैकेट ये अंडर रूट के अंदर सिक्सटीन इंटू वन को नहीं लिखेंगे फाइव इंटू टेन आपका आया तो इसको क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे देखिए सिक्सटीन के फैक्टर कर सकते हैं फ़ोर इंटू फोर और फोर को लिख सकते हैं टू इंटू टू इसी तरह टू इंटू टू तो ये सिक्सटीन के फैक्टर हो जाएंगे या आप फाइव को सिंपल फाइव लिख देंगे एंड टेन को लिख सकते हैं टू इंटू फाइव तो देखिए यहाँ पे एक पेयर तो आपका फाइव का हो रहा है और दो पेयर आपके टू टू के हो रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं हम टू की पावर टू इंटू टू की पावर टू इंटू फाइव की पावर टू इंटू टू तो ये जो आपकी पावर टू की पावर जैसे जिसके ऊपर टू पावर है तो ये आपका क्या हो जाएगा इसको यहाँ पर ऐड हो जाएंगे ये यह, तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा यहाँ से आपका एक टू बाहर आ जाएगा इन टू फिर एक टू बाहर आ जाएगा एंड एक फाइव बाहर आएगा आपका और अंडर रूट के अंदर बचेगा टू तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टू टू जा फोर फोर फाइव जा ट्वेंटी अंडर रूट टू और यहाँ पर क्या आएगा मीटर स्क्वायर के अंदर आ जाएगा हैंस आंसर है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा हैंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ऑफ दी Of the part painted with color is 20 into under root 2 meter square. I hope you understood the explanation. Thank you.